दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, संजू सैमसन के तूफानी शतक के बाद आया उनकी पत्नी का बयान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी करेंगे उन्हें सलाम। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच खेला गया। इस मैच में संजू सैमसन की शतकीय पारी देखने को मिली, जिसे देखकर अब उनकी पत्नी ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस बीच संजू सैमसन की पत्नी चारुलता सैमसन ने बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं। तो आखिरकार संजू सैमसन के तूफानी शतक को देखते हुए संजू सैमसन की पत्नी ने क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है। इस बीच भारतीय टीम ने पहला मैच डरबन के मैदान पर खेला, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पर भारतीय टीम ने 20 ओवर के अंदर 202 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया, जहां पर संजू सैमसन ने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार दूसरे मैच में दूसरा शतक लगा दिया है। इस बीच संजू सैमसन ने आज 50 गेंद पर 107 रन का योगदान दिया, जिसके चलते भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई। ऐसे में संजू सैमसन के तूफानी शतक को देखते हुए अब उनकी पत्नी का बयान सामने आ गया है, जिसमें संजू सैमसन की पत्नी चारुलता सैमसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले मैच के अंदर एक बार फिर से मेरे पति संजू सैमसन ने तूफानी शतक लगाकर सभी को प्रभावित कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर से अपनी शानदार बल्लेबाजी के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये खिलाड़ी एक बार फिर से भारतीय टीम को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है और भारतीय टीम को अपने प्रदर्शन के जरिए जीत दिलाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसके अलावा उनके आगे बयान में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन को बार बार अंदर बाहर किया जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से अब संजू सैमसन ने वापसी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने का कार्य किया है, उसकी तारीफ होना अनिवार्य है, क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश संजू सैमसन की तारीफ कर रहा है, क्योंकि संजू सैमसन ने जो प्रदर्शन किया है वो ऐसा करना किसी के लिए भी साधारण सी बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने आज के दिन शतक लगाया है और बता दिया है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम को कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सके, क्योंकि भारत का ये पहला खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 मैच के अंदर शतक लगाया है और साउथ अफ्रीका की धरती पर शतक लगाकर अपनी मौजूदगी भी पेश कर दी है, क्योंकि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की धरती पर खेला जाने वाला है और वहां पर बेहतरीन काबिलियत वाले खिलाड़ी को शामिल किया जाने वाला है और संजू सैमसन के पास साउथ अफ्रीका में बेहतरीन प्रदर्शन करने की काबिलियत मौजूद है। ऐसे में अगर मेरे पति को यहां पर खेलने का मौका मिलता है तो शायद भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय टीम के लिए ये खिलाड़ी सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जो भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप के साथ सभी मैच में एक्स फैक्टर साबित होगा। तो दोस्तों, संजू सैमसन की शानदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।